तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की रिप्रोडक्शन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होता है। तो दोस्तों हमने ट्रेडोफाइट्स में देखा था कि वो जो है दो टाइप के स्पोर वो आपके बनाते थे, और जो स्पोर्स थे वो दो टाइप के थे। तो वैसे दोस्तों जिम्नोस्पर्म्स में भी वही आदत जो है आपकी ट्रांसफर हो गई है, उनमें कुछ ट्रेडोफाइट्स में था, लेकिन इनमें दोस्तों सभी जो है आपके क्या है हेटरोस्पोरस है। बहुत सारे ट्रेडोफाइट्स आपके होमोस्पोरस थे, कुछ ही आपके थोड़े एडवांस थे कि वो हेटरोस्पोरस थे, कि वो अलग अलग स्पोर बना ले। जो एक आपका मेल का गैमेटोफाइट बनता था वहां, और एक फीमेल गैमेटोफाइट बनता था, लेकिन जिम्नोस्पर्म को ये बात अच्छी लगी तो उन्होंने क्या किया, सभी ने हेटरोस्पोरस जो डेवलपमेंट है, दो टाइप के जो स्पोर है उनको अपना लिया। इसके बाद दोस्तों जो रिप्रोडक्शन है, हम जानते हैं ये क्या है, इनकी भी बॉडी जो है मेन आपकी स्पोरोफाइट होती है। तो स्पोरोफाइट में कहाँ से शुरू होता है रिप्रोडक्शन, स्पोरांजिया से शुरू होता है। हम पहले गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट बनाएंगे। तो अब दोस्तों ये कहानी शुरू होती है स्पोरांजिया से। और दोस्तों ये स्पोरांजिया आपका दोस्तों कहाँ पर बनता है, ये दोस्तों आपका बनता है किसके अंदर, स्पोरोफिल के ऊपर दोस्तों ये आपका बनता है। ऐसे मान लीजिए आपके स्पोरोफिल है, आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं स्पोरोफिल्स की। तो ये जो है दोस्तों जो आपका जो स्पोरोफिल है, ये दोस्तों ऐसे अरेंज होते हैं एक एक्सिस पे, और ये दोस्तों क्या बना लेते हैं, कोन बना लेते हैं या फिर स्ट्रॉबिलाई बना लेते थे। तो ये जो है आपके स्ट्रॉबिलाई बना लेते हैं और कोन बना लेते हैं आपके स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या होते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम दोस्तों स्पोरोफिल कहते हैं, और वही जो है आपके कॉम्पैक्ट इनमें कोन बना लेते थे। टेरिडोफाइट्स में क्या था, वो थोड़े इनसे लेस एडवांस हैं, तो कुछ ही कोन बना पाते थे, जैसे कि सेलाजिनेला और इक्विसेटम। लेकिन इनमें दोस्तों सभी जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलाई और कोन जो है बना लिए हैं अच्छे से। इनका स्पोरोफिल जो है आपका अरेंज है स्ट्रॉबिलाई और कोन के फॉर्म में एक एक्सिस के ऊपर, आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो है स्पोरोफिल जो है, स्पोरोफिल के ऊपर क्या आता है, स्पोरोफिल के अंदर क्या आता है, स्पोरोफिल के अंदर आपका दोस्तों क्या आते हैं, स्पोरेंजिया आपके आते हैं। तो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मेगास्पोरेंजिया, एक होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये आपको पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो स्पोरेंजिया है वो आपके दो टाइप के हैं। अब ये दो टाइप के क्यों है आप समझ ही गए होंगे, एक आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए है और एक आपका मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया है वो पहले आपका होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया दोस्तों क्या करते हैं, माइक्रो जो है दोस्तों छोटे छोटे गैमेटोफाइट जो है ये बनाता है, जो दोस्तों होते हैं मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पॉलन ग्रेन किसके इक्विवेलेंट है, मेल गैमेटोफाइट के इक्विवेलेंट है। और दोस्तों ये बहुत ही कन्फाइंड आपकी स्टेज होती है, कुछ सेल्स पर ही ये सीमित हो जाती है, तो हाईली रिड्यूस्ड आपकी मेल गैमेटोफाइट की स्टेज देखने को मिलती है। अब आप दोस्तों देखते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से कि पॉलन ग्रेन जो है मेल है, तो फीमेल कौन है दोस्तों, आपका ओव्यूल है। तो अब ओव्यूल भी दोस्तों आपका सीन में आएगा, कैसे आएगा, मेगास्पोरेंजिया दोस्तों आप जानते हैं क्या है, फीमेल स्पोरेंजिया है, और दोस्तों इसको हम मैक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं। जो बड़ा स्पोरेंजिया है उसको हम कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम दोस्तों स्ट्रॉबिलाई की बात कर रहे हैं, यानी कि जिस स्ट्रॉबिलाई के ऊपर आपके मेगास्पोरेंजिया आएंगे उसको हम कहेंगे मैक्रोस्पोरेंजिएट, और जिसके ऊपर आपके छोटे स्पोरेंजिया आएंगे उनके उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो ये आपको ध्यान रखना है मेगास्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिएट में डिफरेंस है कि जो आपका स्पोरोफिल है जिसके ऊपर वो आ रहा है स्पोरेंजिया, वो आपका स्पोरेंजिएट है, और स्पोरेंजिया तो स्पोरेंजिया ही है। अब दोस्तों मेगास्पोरेंजिया में क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया में दोस्तों आपके होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। अब दोस्तों ये जो है मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आते हैं, आपसे पता ही चल रहा है कि ये क्या है, मदर सेल्स हैं। तो ये क्या बनाएंगे, मेगास्पोर मदर सेल आपके मेगास्पोर बनाएंगे, जो कि आगे चल के आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब दोस्तों ये जो है मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आया, ये दोस्तों आपका आता है न्यूसेलस से। न्यूसेलस से दोस्तों आपका ये आपका मेगास्पोर मदर सेल आता है। अब ये जो है दोस्तों आपका ओव्यूल के अंदर होता है आपका न्यूसेलस, आप अगले साल पढ़ेंगे भी, न्यूसेलस जो है आपके ओव्यूल के अंदर होता है। तो ओव्यूल के अंदर दोस्तों एक आपके स्ट्रक्चर होते हैं न्यूसेलस, आप जानते हैं कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूसेलर सेल्स बोलते हैं,
उनसे एक सेल आपका मेगास्पोर मदर सेल आपका होता है। अब दोस्तों ये जो मियोसिस करके बनाता है हैप्लोइड मेगास्पोर्स, तो अब ये स्पोर्स दोस्तों हैप्लोइड मेगास्पोर्स आपके बन चुके हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे पोलन ग्रेन है आपका मेल गैमेटोफाइट, वैसे ओव्यूल जो है आपका इक्विवेलेंट होता है आपके मेगास्पोरेंजिया के। तो मेगास्पोरेंजियम में क्या है आपका ओव्यूल है, जो कि ओव्यूल जो है दोस्तों उसके अंदर क्या है मेगास्पोर मदर सेल है और वो बना रहा हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स, मतलब ये आप मेगास्पोरेंजिया कहिए या फिर ओव्यूल कहिए बात एक ही है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इन हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स और इसके बाद क्या होता है। अब दोस्तों हमने देख लिया है चार हैप्लॉइड आपके मेगास्पोर बन गए हैं माय मेगास्पोर मदर सेल से, जो कि कहाँ होता है ओव्यूल के अंदर के जो न्यूसेलस है उनसे जो बनता है, जिससे वो जो न्यूसेलस है उनसे एक आपका मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है एक सेल, और वो क्या है मियोसिस करके आपका यानी कि रिडक्शन डिवीजन करके 2n से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनकर वो चार हैप्लॉइड आपके मेगास्पोर बना लेता है। अब दोस्तों हमको तो चाहिए एक स्पोर क्योंकि हमको बनाना है एक फीमेल गैमेटोफाइट। तो चार में से एक स्पोर दोस्तों क्या करता है आपका एक मल्टी सेलुलर बहुत अच्छे से डेवलप्ड आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है। अब गैमेटोफाइट जो है ये आपका स्पोरेंजियम में आपका क्या होता है रिटेन होता है। रिटेन दोस्तों ये आपका होता है स्पोरेंजियम के अंदर। टेरिडोफाइट से हम देखते आ रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन किया जा रहा है जिससे जो एम्ब्रियोज है उनका डेवलपमेंट इनके अंदर हो सके। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये भी अपने स्पोरेंजियम में इसको रिटेन दोस्तों कर लेते हैं। अब दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट का काम क्या है गैमेट बनाना, तो उसके लिए चाहिए होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो उसके लिए दोस्तों इसके पास होते हैं दो या फिर ज्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन जिनको हम दोस्तों आर्केगोनिया कहते हैं, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है आपका रिटेन रहता है स्पोरेंजिया के अंदर। अब हम देखते हैं कैसे इनमें फर्टिलाइजेशन होता है जिसके बाद हमारा जिम्नोस्पर्म खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स आपके बन चुके हैं तो उनको कैसे पहुंचाया जाता है एग के पास, जो जो कि होता है आपका फीमेल गैमेट। अब दोस्तों आप जानते हैं मेल गैमेट जो है वो आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके बनाते हैं। पोलन ग्रेन्स को दोस्तों आपका एयर करंट से दोस्तों पहुंचाया जाता है आपका ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स तक। तो यहां तक ही दोस्तों पहुंच गए, मान लीजिए ये आपका दोस्तों ओव्यूल है, ये आपका दोस्तों ओव्यूल है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए आपका आर्केगोनिया है, यहीं पर आपका एक आपका एग भी होगा। तो अब दोस्तों ये जो है पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों अब क्या होगा, इससे एक बनेगी दोस्तों पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब दोस्तों एक ठू बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है कि पोलन ट्यूब जो है जिम्नोस्पर्म में बनती है, ये स्टेटमेंट बेस में आपसे पूछ सकते हैं। पोलन ट्यूब आपकी बनेगी तो पोलन ट्यूब जो है इसको माउथ ऑफ आर्केगोनिया तक ले जाकर छोड़ देगी। अब यहाँ पर क्या होगा पोलन ग्रेन जो है वो आपका एग के साथ कंबाइन करेगा, तो आपकी ये क्या बनाएंगे दो मेल गैमेट कंबाइन करते हैं, एक मेल और एक फीमेल गैमेट कंबाइन करते हैं तो जाइगोट बनता है। तो एक दोस्तों जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट आप जानते हैं बाद में एम्ब्रियो बना लेगा। ओव्यूल का क्या होगा आप पहले से जानते हैं, ओव्यूल आपका सीड बना लेगा। तो ये था जिम्नोस्पर्म्स का रिप्रोडक्शन। फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं मेल में क्या होता है। मेल में क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया है वो जो स्पोरेंजिया है दोस्तों उसको हम कहते हैं मेगा, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि होता है माइक्रोस्पोरेंजिएट के ऊपर, जो कि आपके स्पोरोफिल होते हैं उसके ऊपर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उससे बनते हैं आपके मेल गैमेटोफाइट जिनको हम पोलन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है जो आपकी जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, उसमें क्या होता है दोस्तों ओव्यूल होता है, और ओव्यूल आपका क्या होता है मेगास्पोरेंजिया होता है, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ओव्यूल में होता है न्यूसेलस, न्यूसेलस से एक सेल बन जाता है आपका मेगास्पोर मदर सेल। अब वो मदर सेल है तो वो मियोसिस करता है रिडक्शन डिवीजन करता है, तो वो डिप्लॉइड से चार हैप्लॉइड स्पोर आपके बना लेता है। अब चार हैप्लॉइड स्पोर हैं तो वो दोस्तों फिर उसके बाद वो जो है बना लेते हैं आपके स्पोर्स जो हैं वो आपके बना लेते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्केगोनिया, जो बनाते हैं आपके एग, और ये जो पोलन ग्रेन्स है मेल गैमेट से उनको पहुंचाया जाता है आर्केगोनिया तक। पोलन ट्यूब बनती है जो आर्केगोनिया पर ले जाके छोड़ देती है पोलन ग्रेन को,
कंटेंट आपका डिस्चार्ज हो जाता है पॉलन ट्यूब का, पॉलन और एग जो बना लेते हैं जाइगोट, जाइगोट बना लेता है एम्ब्रियो, ओव्यूल्स आपके बना लेते हैं सीड्स। तो ये था एक मिनट के अंदर जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली एमसीक्यूज के लिए आप यूट्यूब पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।